एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकिब स्वाइल। आज हम जा रहे हैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट और हमारा बजट है 1000 रुपीज, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है। अब देखते हैं 1000 रुपीज में हम क्या क्या खा सकते हैं, करते हैं नई नई चीजें ट्राई करते हैं। आप लोग सब देखना कि मैंने क्या खाया और कितने में खाया, वो मैं सब मेंशन कर दूंगा आप लोग को। और तो बस देर किस बात की, अब चलते हैं जल्दी जल्दी से और फिर अपने चैलेंज को करते हैं स्टार्ट। इतना रश था और इतने रश के बाद हमें जगह मिल गई है फाइनली। तो जो हम पहली चीज खाने वाले हैं वो है मोमोज, तो जल्दी जल्दी से ट्राई करते हैं। अच्छा तो गाइस वहाँ हमारे मोमोज बन रहे हैं, तो चलो देखते हैं कैसे बनते हैं मोमोज। गाइस हमारे मोमोज आ गए हैं, अब देखते हैं मोमोज कैसे हैं। मोमोज ऐसे ही हैं। बहुत मजे का गाइस, मस्ट ट्राई। सो गाइस मैं मोमोज को 10 out of 10 दूंगा, इतने मजे के हैं आप लोगों को क्या बताऊं, मस्ट है। आप लोग जरूर जब भी आओ ना ट्राई जरूर करना। ओह माय गॉड, वाओ। हमारा फालसा लिमका आ गया है और गावा लिमका, अब पी के देखते हैं कि ये कैसे हैं। सो गाइस मैंने मोमोज ट्राई कर लिए, मोमोज तो बहुत अच्छे थे, अब मैं लिमका ट्राई कर रहा हूँ, वो देखते हैं कैसा है। लिमका भी बहुत मजे का है। ये मैंने ट्राई किया है गावा लिमका, बहुत मजे का है गाइस, इसको भी मैं 10 out of 10 दूंगा, मस्ट ट्राई। ये भी मोमोज और लिमका दोनों साथ में ही है, आप लोग जरूर ट्राई करना है। वो गावा था और ये फालसा, अब फालसा ट्राई करते हैं फालसा कैसा है। फालसा भी बहुत मज़े का है भाई, बहुत मज़े का इनके लिमके। कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा अच्छे तो लिमके हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक तो ऐसे ही है बस, लिमके बहुत मज़े का है। नहीं जिनका लिमका हमने पिया है उनका लिमके का नाम है द दुबई अम्ब्रेला, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम जाने वाले हैं वहाँ चपली कबाब खाने, पिशावरी चपली कबाब, वो सामने आप लोग को दिख रहा है, उधर जाने वाले हैं। गाइस चपली कबाब भी बहुत मजे के हैं, इसको मैं 10 out of 10 दूंगा, बहुत मजे के हैं, आप देखो कितने मजे के हैं।
10 out of 10 मेरी तरफ से। तो भाई गाइस चपटी कबाब इतने मज़े के थे कि हमने इतनी जल्दी खा लिए, अब हमने दोबारा मंगवाए भाई, इतने मज़े के थे। गाइस वो सामने देखो, नीमा ने नीना बेला चाओ फ्राइज, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ, बेला चाओ फ्राइज है भाई इधर, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। सो गाइस चपली कबाब हमने खा लिए हैं, अब पिज़्ज़ा मटका फ्राइज मंगवाए हैं, वो ट्राई करते हैं वो कैसा है। गाइस इन्होंने ना वॉफल ही मंगवा लिया था, मुझे बताया नहीं था वरना मैं वीडियो ज़रूर बनाता, और वॉफल अब आ गया है तो अब बता रहे हैं कि भाई हमने वॉफल भी मंगवाया था। ये देखो गाइस मैं वॉफल ट्राई कर रहा हूँ, बहुत मज़ेदार, 10 out of 10। मज़ा आया। रायान वॉफल कैसा है? कैसा है? यम्मी है। आपको पसंद आया? कितने मंगवा के दिए? पिज़्ज़ा फ्राइज आ चुके हैं, मटका फ्राइज सॉरी, अब ट्राई करके देखते हैं। ये रहे इस तरीके के कुछ, देखते हैं अंदर पूरे फ्राइज भरे हुए। गाइस मैं मटका फ्राइज ट्राई करने वाला हूँ, अब देखता हूँ कैसे गर्म है ना इस तरह से, अब थोड़ा ठंडा हो जाए फिर खाता हूँ। लिटरली इतना मज़े के है ना ये पिज़्ज़ा मटका जो भी है फ्राइज, बहुत मज़े के हैं। 10 out of 10 देता हूँ मैं तो इसको, लिटरली ज़रूर ट्राई करना जब भी आप आओ ना, चपली कबाब के साथ ही हैं। तो गाइस हमने फिर लिमका मंगवा लिया है, कसम से लिमके से तो अब हमारी बहुत बन गई है, कोल्ड ड्रिंक से अच्छा सच में लिमका है। और ये देखो सामने, और इसी के साथ हमने यहाँ से लिया था अपना मटका फ्राइज, ये कोने में बहुत मज़े के थे मटका फ्राइज भाई। यहाँ से रायान ने भाई झंडा लिया है क्योंकि इसको ही पता है 14 अगस्त करीब आ रही है, तो वो देखो रायान आपने क्या लिया यहाँ से, क्यों लिया? ले लिया। सो गाइस अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, वॉफल की प्रिपरेशन की वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इन्होंने वॉफल मंगवाया है, तो बस अब आगे की तरफ जा रहे हैं। गाइस आप रश देखो, बहुत ज़्यादा क्राउड है, इतना क्राउड है ना यहाँ पर, क्या बताऊँ आप लोगों को। सो गाइस हुसैनाबाद आए और फूड सेंटर की बिरयानी ना ट्राई करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम आ गए हैं हुसैनाबाद की फूड सेंटर की बिरयानी ट्राई करने, हमने ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर आएगा तो आप लोगों को देखेंगे। ये अभी इसने झंडा लिया है और अभी के अभी इसको तोड़ दिया, ये डंडी निकाल के बैठ गया ये लड़का। ये लड़का बहुत तेज़ है भाई, ये देखो आप इसके काम देखो, ये वापसी निकाल देगा, अभी ब्लॉग में मस्तियाँ कर रहा है, ये वापसी डंडी निकाल देगा। इसने ग्लासेस भी देखो ग्रीन लिया है 14 अगस्त के लिए ताकि मैं पहनूंगा। सो गाइस मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, फिर आप लोग लगाऊंगा कि कैसी है बिरयानी, मैंने बहुत पहले खाई थी तो बहुत अच्छी थी, अब ट्राई कर।
अभी भी पहले जैसी है, बहुत मज़े की है। इसको भी मैं 10 out of 10 दूंगा, बहुत मज़े की है। मैं क्या बताऊँ भाई, इसका भी पहले जैसे ही टेस्ट है, कसम से बहुत मज़े की है बिरयानी, बहुत मज़े की है। फूड सेंटर की बिरयानी चेंज नहीं हुई है, मैंने बहुत पहले खाई थी और अब खा रहा हूँ। टेस्ट इज डेफिनेटली अमेजिंग। अब मैं अपनी बिरयानी खा रहा हूँ, बिरयानी खाने के बाद आप लोग से मिलता हूँ। स्टॉप है, खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है, तो अब हम जाएंगे कराची आइसक्रीम और आइसक्रीम खाएंगे। तो गाइस, मैं घर आ गया हूँ और हमने कुछ पार्सल भी करवाया था और आप लोगों को सब डिटेल देता हूँ थोड़ा फ्रेश होकर। सो फ्रेंड्स, मैं व्लॉगिंग करना ही भूल गया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि फ्रेश होकर आप लोगों को सब बताता हूँ, तो मैं भूल ही गया था, अब बता रहा हूँ। तो भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था, ओवर ईटिंग कर ली थी, तो हर चीज़ अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी। 10 out of 10 दिए मैंने सबको, जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो आप लोग भी ज़रूर जाकर ट्राई करना और मुझे बताना फिर कमेंट्स में कि आप लोगों ने ट्राई किया था। तो बस फिर इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आकिब्स, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।